इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि स्मार्ट टीवी को कंप्यूटर में कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो गाइस, हम कई सारे जो स्मार्ट टीवी को यूज करते हैं, लेकिन इसी स्मार्ट टीवी को हमें कंप्यूटर में चलाना है तो वही आपको आसान तरीके कर सकते हो। तो गाइस, जो जितना प्रोसेस है तो सभी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दे। तो गाइस, इस हमारा जो स्मार्ट टीवी है, तो स्मार्ट टीवी को हमें कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, यानी कि कंप्यूटर बना के उसमें यूज करना है। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि सभी सेटअप पे वही हमने ले लिया है। तो इस हमारा कीबोर्ड एंड माउस है, वही हमने सीपीयू में यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद इस हमारा जो वीजीए केबल है जो स्मार्ट टीवी में, उसमें हमने कनेक्ट किया है। तो आपको स्मार्ट टीवी में वीजीए पोर्ट होता है तो उसमें वीजीए केबल को लगाना है। और हमारा पास जो पावर केबल है सीपीयू का और दूसरा जो स्मार्ट टीवी का, तो चल मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो पावर केबल है जो सीपीयू का, दूसरा जो वीजीए केबल है यानी कि स्मार्ट टीवी का पावर केबल है वही है। और इस हमारा जो वीजीए केबल है वही आपको सीपीयू में कनेक्ट करना है। तो गाइस, आपको कई सारे जो स्मार्ट टीवी को यूज करते हैं लेकिन आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, तो इस तरह आपको आसान तरीके कंप्यूटर में कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो चलो, मैंने सीपीयू में वीजीए केबल को कनेक्ट कर दिया है, जो स्मार्ट टीवी का केबल है वही मैंने लगा दिया है। तो आपको स्मार्ट टीवी में वीजीए पोर्ट में वीजीए केबल को लगाना है, और हमने जो दूसरा कीबोर्ड एंड माउस है वही हमने सीपीयू में लगा दिया है। तो आपको इस तरह सभी चीज़ को लगा देना है। वो लगाने के बाद उसमें जो पावर केबल है सीपीयू का एंड स्मार्ट टीवी का, वही आपको लाइट के प्लग में लगा देना है, और आपको स्विच को ऑन कर देना है। तो चल, मैं स्विच को ऑन कर दिया है, और जो आपको सीपीयू का पावर का बटन है वही आपको प्रेस करना है। तो चलो, मैं सीपीयू में पावर का बटन है वही मैं प्रेस कर देता हूँ, तो हमारा जो सीपीयू है वही हमारा ऑन हो जाएगा। लेकिन ऑन होने के बाद आपको स्मार्ट टीवी में सेटिंग करना है। तो चलो, मैं आपको सेटिंग करके भी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अभी देख लीजिए कि हमारा सीपीयू है वही हमारा ऑन हो गया है, जो कीबोर्ड एंड माउस में लाइट भी आ गया है। तो चलो, हम स्मार्ट टीवी को ऑन कर देते हैं। तो आपको स्मार्ट टीवी को रिमोट से ऑन कर देना है। तो चलो, हमारा सही से सीपीयू भी ऑन हो गया है, लेकिन अभी हमारा स्मार्ट टीवी ऑन नहीं हुआ है। तो चलो मैं स्मार्ट टीवी को ऑन कर देता हूँ। तो गाइस, आपको इस तरह स्मार्ट टीवी को ऑन कर देना है। तो गाइस, अभी देख लीजिए कि सोनी का स्मार्ट टीवी है हमारे पास, इसी स्मार्ट टीवी को हमें कंप्यूटर में यूज करना है, यानी कि स्मार्ट टीवी को हमें कंप्यूटर में चलाना है। तो गाइस, हमारा सही से स्मार्ट टीवी है वही हमारा ऑन हो रहा है, लेकिन हमारा सीपीयू में कीबोर्ड एंड माउस हमने कनेक्ट किया है वही हमारा सही से कनेक्टेड हो गया है। तो चलिए, आपको सेटिंग करना पड़ेगा तभी आप कंप्यूटर में स्मार्ट टीवी को यूज कर सकते हो। तो चलिए, हमारा सही से स्मार्ट टीवी ऑन हो गया है, लेकिन आपको उसमें वीजीए को सिलेक्ट करना है। तो गाइस, आपको स्मार्ट टीवी है तो उसमें आपको सोर्स बटन है, जो आपको रिमोट है तो रिमोट में सोर्स बटन होता है वही आपको प्रेस करके वीजीए को सिलेक्ट करना है। तो चलिए, मैं आपको रिमोट में सोर्स बटन है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको सोर्स बटन को प्रेस करके स्मार्ट टीवी में वीजीए को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमने वीजीए से कंप्यूटर में बनाना है, यानी कि सीपीयू में वीजीए केबल को कनेक्ट किया है। तो आपको वीजीए को सिलेक्ट करना है। तो चलो, मैं वीजीए केबल को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो गाइस, हमारा जो स्मार्ट टीवी है वही हमारा कंप्यूटर बन जाएगा। तो अब गाइस, स्क्रीन पे देख लीजिए कि वीजीए पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो सही से हमारा जो स्मार्ट टीवी है वही हमारा कंप्यूटर बन गया है। तो आपको आसान तरीके स्मार्ट टीवी को कंप्यूटर बना सकते हो, यानी कि कंप्यूटर में स्मार्ट टीवी को कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो सही से हमारा जो कंप्यूटर है वही हमारा स्मार्ट टीवी बन गया है, कीबोर्ड एंड माउस है वही हमारा सही से वर्क कर रहा है। तो चलो, मैं आपको किसी भी प्रोग्राम को ओपन करके आपको बताने वाला हूँ कि हमारा सही से कीबोर्ड एंड माउस है
वही हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि स्मार्ट टीवी है, वही हमारा सही से कंप्यूटर बन गया है। माउस एंड कीबोर्ड में लाइट भी आ रहा है, तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए। तो चलो मैं कंप्यूटर में नोटपैड को ओपन करता हूँ, तो हमारा स्मार्ट टीवी में नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो चलो मैं कीबोर्ड से टाइपिंग करके आपको बताने वाला हूँ। तो आपको कीबोर्ड से किसी भी टाइपिंग कर रहे हो तो वही आपको आसान तरीके इसी तरह आपको टाइपिंग कर सकते हो। तो सही से हमारा कीबोर्ड भी वर्क कर रहा है, माउस भी वर्क कर रहा है, तो आपको कंप्यूटर की तरह स्मार्ट टीवी को यूज कर सकते हो। तो हम कई सारे जो स्मार्ट टीवी को यूज करते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर में स्मार्ट टीवी को यूज करना है, यानी कि स्मार्ट टीवी को कंप्यूटर में चलाना है, तो आपको आसान तरीके कनेक्ट करके चला सकते हो। तो सही से हमारा जो स्मार्ट टीवी है वही हमने कनेक्ट करके आपको लाइव प्रूफ करके बता दिया है। तो अभी देख लीजिए कि डेस्कटॉप में मैंने विंडोज 7 का वॉलपेपर है वही मैंने सेट कर दिया है, तो आपको आसान तरीके कंप्यूटर को यूज कर सकते हो। तो गाइस जैसे हमारा जो स्मार्ट टीवी है वही हमने कंप्यूटर बना के आपको बता दिया है। तो जितना जो प्रोसेस था वही मैंने आपको लाइव प्रूफ करके बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।